हाय एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर एम एच अंसारी, प्रोफेसर एआईयू मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। आजकल आयुष चिकित्सकों के दरमियान एक बेचैनी फैली हुई और उसकी वजह है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया एक बयान। लेकिन आपने उस बयान को गौर से नहीं सुना, गौर से नहीं पढ़ा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा है कि जो अपंजीकृत चिकित्सक है यानी कि अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं यानी कि पंजीकृत चिकित्सक हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई के लिए उन्होंने नहीं कहा है। इसी सिलसिले में भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रवीश आलम साहब और जनाब डॉक्टर अकरम साहब ने एक बयान जारी किया है। आप जो है उसको गौर से सुनिए जो अभी आपके सामने आगे आ रहा है, और अपनी टेंशन बिल्कुल खत्म करिए और जो उन्होंने बातें बताई हैं उन पर अमल कीजिए। शुक्रिया। मैं डॉक्टर रवीश आलम, वाइस चेयरमैन भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, और मेरे साथ में बैठे हैं हमारे कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, जो मैं आज आपके सामने उभरू हुआ हूँ, तो मकसद ये है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे आयुष चिकित्सकों के लिए एक बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और इसी के मुताबिक एक हम आपको बताना चाहता हूं कि हम 2009 से बीएमएस कॉलेज चला रहे हैं और तकरीबन हमारे 6-7 बैच तक पास आउट हो चुके हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यूपी के सभी हिस्सों में हैं, सभी जिलों में हैं, अदर स्टेट में भी हैं। तो काफी दिनों से एक छापेमारी की जो प्रक्रिया चल रही है तो उसमें एक पैनिक जैसा एक माहौल बना हुआ है हमारे आयुष चिकित्सकों। तो उसी से मुतालिक मैं कुछ तथ्य आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, खासतौर से जितने भी हमारे आयुष चिकित्सक हैं, ज्यादातर जानते होंगे इनको, लेकिन जिसको नहीं पता तो उनको कुछ बताना चाहिए। पहले तो मैं सबसे पहली शुरुआत मैं उससे करता हूं कि जो हमारा इंडियन मेडिसिन एक्ट 1930 था उसमें जो यूपी गवर्नमेंट थी 2015 में उसका इंडियन मेडिसिन 39 में यूपी गवर्नमेंट ने उसको 2015 में यह अमेंडमेंट कर दिया गया। ये 14 अक्टूबर सन 2015 में ये अमेंडेड एक्ट। इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ मेडिसिन मैं पढ़ के बताना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ मेडिसिन हैं जो कि हमारे आयुष चिकित्सक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें पढ़ के बताऊं, ड्रग्स दैट कैन प्रिस्क्राइब बाई रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशियन विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें एंटी एसिड है, एच रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, एंटी स्टेमिनिक है। एंटीबायोटिक्स में कॉट्री मोक्सोजोल है, ट्राइमिथोप्रिम है, नॉरफ्लोक्सासिन है, क्विनोलोन्स है, टेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है, सिफेलोस्प्रिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, नाइट्रोफ्लोरोटीन है, मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है, एम्पिसिलिन है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं जिसमें आपके रिफेंडिसिन, इथेम्बुटोल, पाइराजिनामाइड। एंटी हेलमिंथिक्स हैं, मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल। एंटी मलेरियंस हैं, फ्लुरोक्विनोन, क्लोरोक्विन, क्विनीन, प्राइमेक्विनीन, सल्फाटॉक्सिन, पाइरिमिथामाइड। एंटी लेप्रोसी ड्रग्स हैं, एंटी एमोबिक ड्रग्स हैं, एंटी स्कैबीज हैं, टॉपिकल एंटी फ्लग, एंटी फंगल हैं, एंटी वायरल हैं, एंटीकोलॉजिक हैं, एंटी एमेटिक्स हैं, और ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, एंटीपायरेटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, एक्सपोट्रेंट्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, विटामिन ए लिक्विड है, विटामिन तो, और बहुत सारी। मैं चाहूंगा कि एक बार इसको भी जो हमारी मेडिसिन हैं उसको भी एक बार बताना चाहूंगा कि वैसे मैं इस चीज को पोस्ट भी कर दूंगा अपने FB अकाउंट पर, तो मैं चाहूंगा कि इसे ये सब दिखाएं कि जो हमारा एक्ट है और इसमें उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अनूप चंद्र पांडे जी, उन्हीं के ऑर्डर से ये हमारे पास लेटर हमें रिसीव हुआ था। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखा है कि रेफरल ऑफ ऑल सिक पेशेंट्स आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट या फर्स्ट एड। जितने भी आपके किसी आप जो भी आपका हॉस्पिटल चला रहे हैं या जो भी आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं उसमें भी कोई सिक पेशेंट आएगा उसमें आप उसका इनिशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको फर्स्ट एड देके आगे रेफर कर सकते हैं। तो जो भी आपको फर्स्ट एड देने में जरूरत पड़े वो इस लेटर के माध्यम से हमें 2015 के अमेंडमेंट एक्ट से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हमारे द्रव्य गुण जो कि सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है
उसमें हमें मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और हर्बल, दोनों फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। यानी केडी त्रिपाठी जो है वो हमारे बच्चे को सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो मैं एक रिसेंट जो भी आपका ये जो हमारे पास बीएमएस और एमएस जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी एक गजट नोटिफिकेशन हुआ था भारत सरकार की तरफ से, जो कि 19 नवंबर 2020 में हुआ। इसमें इन्हें जो इनकी सर्जरी है उसका अधिकार दिया गया था। तो जितनी भी सर्जरी है जो एमएस आयुर्वेदा कर सकता है उन सर्जरी की भी लिस्ट मैं अपनी एफबी अकाउंट पे पोस्ट कर दूंगा। और भी है, ये भी है, और भी आगे जितनी सर्जरीज हैं इसका मेरे पास हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों है। ये हमारे पास इंग्लिश वर्जन आएगा इसका एमएस आयुर्वेद जनरल सर्जरी का। तो इसमें जितनी भी सर्जरी है, इसमें क्रूटाज है, कोई भी किसी तरह का ड्रेनेज है, एप्सिस है, आपका स्किन ग्राफ्टिंग है, आपका सिस्ट है जिसमें चाहे सीबेशियस सिस्ट हो, डर्मॉइड सिस्ट हो, म्यूकोजल सिस्ट हो, डिजियल सिस्ट हो, बेनाइन ट्यूमर है जैसे लाइपोमा हुआ, फाइब्रोमा हुआ, और नॉन वाइटल ऑर्गन्स के बारे में जितना भी कुछ, इसमें आप एक्सीजन भी कर सकते हैं या एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन का भी अधिकार हमें भारत सरकार के से जो हमारे एमएस स्टूडेंट बच्चे हैं एमएस आयुर्वेद जिन्होंने कर उन सबका अधिकार दिया गया है। इसमें आपका सिस्टुलेक्टमी है, सिस्टुलोटोमी है, फिशर्स हैं, आपका लाइगेशन है, ये भी सब जितनी भी है सर्जरी मैं इसको भी आपके उस पर एफबी पर पोस्ट कर दूंगा। तो जितनी हमें सर्जरी का अधिकार ग्रेट नोटिफिकेशन से भारत सरकार से दिया गया है। अभी मैं आपको एक चीज जो रिसेंटली हमारे एनसीएसएम से, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन से, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ एक लेटर लिखा गया है वो भी मैं आपके सामने पोस्ट कर रहा हूं, जो कि इसी महीने 8th अक्टूबर को जो इसी महीने लिखा गया है वो भी मैं आपके सामने इसे पोस्ट कर दूंगा। इसमें आपको सारी चीजें, आप इसमें जो पोस्ट करोगे उसे सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मेरा तो यही बस आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि मेरा यही निवेदन है सभी मेरे जितने भी आयुष ग्रेजुएट हैं, आयुष पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कि पैनिक मत होइए और कोई ऐसी चीज क्रिएट मत कीजिए जिससे आपको आप ठीक है। मेरा तो सबसे निवेदन है कि जितने भी हमारे नीमा के हैं, विश्व हिंदू परिषद, विश्व आयुर्वेद परिषद के जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो सब अपना डेलीगेशन अपने अपने रेस्पेक्टिव जिलों में जाकर हमारे सीएमओ साहब जो हैं, हमारे जो आला अधिकारी हैं, उनसे जाके मिले, अपना अपना डेलीगेशन दें। और अब इसीलिए सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही था कि क्योंकि हम लोगों के पास, हमारे डॉक्टरगण के पास बहुत लोगों के फोन आ रहे थे, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, अपना रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आयुष चिकित्सकों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आयुष चिकित्सकों के लिए कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम है। इसमें जितने भी ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इस चीज के लिए कहा था, जितने भी हमारे अपंजीकृत जितने हमारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जितने हमारे अपंजीकृत हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि अपंजीकृत के खिलाफ सबसे सरकार करना चाहिए। जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जो आयुष से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनके खिलाफ मेरा कहना है कि जितना भी मैंने आपको बात बताई आप सब लोग समझेंगे और एक अपना प्रतिनिधिमंडल जो हमारे जिले के आला अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। बस इतनी बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अकरम साहब की कुछ अपनी बात। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम, मैं भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का प्रबंधक हूं, और जो प्रकरण चल रहा है इस संबंध में हमारे कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक खान साहब ने विस्तार पूर्वक इस पर रोशनी डाली है। आप सब लोग इससे भली भांति अवगत हो गए होंगे। मेरा इस संबंध में सिर्फ ये कहना है कि 2020 में बीए एमएस करने बाद जिन चिकित्सकों ने एमएस का कोर्स पास किया है उनको सर्जरी करने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में मैं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आयुष सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके लिए पूरा आयुष जगत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हमेशा रहे। दूसरे ये कि हमारे प्रदेश के ओजस्वी
माननीय मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें आयुष विद्या को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के शोध किए जा रहे हैं। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आयुष जगत की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा विश्व आयुर्वेद परिषद और हमारे जो नीमा संगठन बना हुआ है, ये लोग भी आयुष को बढ़ावा देने के लिए रात दिन अथक प्रयास करते हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करते हुए ये निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पिछले दिनों आदेशित किया गया था कि जो अपंजीकृत लोग हैं प्रदेश में उनके खिलाफ अभियान चला जाना चाहिए, तो उस अभियान के अंतर्गत जो भी हमारे प्रशासन के लोग अभियान चला रहे हैं जिला लेवल पे, हमारे सीएम साहब हैं या हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक निगरानी अधिकारी हैं, उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जो लोग अपंजीकृत हैं उनके खिलाफ अभियान चला रहे और जो दो आयुष सुविधा में रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनको परेशान न कर जावे, ये मेरा उन सब लोगों से निवेदन है। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।